जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 27 जुलाई के करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो एग्ज़ाम चाहे कोई से भी हो, करंट अफेयर से रिलेटेड जो 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो आपको मेरे चैनल से ही मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे, ज़रा सी भी, और ये लगे कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि जो अरब सागर में बनने वाले चक्रवात है बिपोजोए, उसको जो नाम दिया था बिपोजोए वो किस देश ने दिया था? अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपोजोए का नाम बिपोजोए किस देश द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन में देखेंगे पहले, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी मालदीव। तो बिपोजोए को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन ए बांग्लादेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर टू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए यमन, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी जिबूती एंड ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार का अवार्ड दिया था? तो वो दिया था ऑप्शन बी सूरीनाम ने। याद रखना है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सूरीनाम, और किसे दिया गया था? राष्ट्रपति मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो भारत और किस देश के बीच ये MV एम्प्रेस शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ए मलेशिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका एंड डी इंडोनेशिया। तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो पर्यटन पोत है MV एम्प्रेस, उससे पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर फोर, वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? कौन सा डैशबोर्ड? अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। आपके ऑप्शन है ए RBI, बी SBI, सी ICICI एंड डी HDFC। तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए RBI। RBI ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर फाइव, पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है ए अमृत धरोहर योजना, बी मिष्टी योजना, सी अमृत सरोवर योजना एंड डी एक व दो टू दो दोनों। तो पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की थी? इन्होंने की थी एक व दो, ऑप्शन डी दोनों, अमृत धरोहर योजना भी चालू की थी और मिष्टी योजना भी चालू की थी। किसने की थी? पीएम मोदी ने। किस दिवस पर? विश्व पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल एंड डी महाराष्ट्र। तो क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम कहाँ शुभारंभ किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। याद रखना है, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम महाराष्ट्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल एंड डी हरियाणा।
तो दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है के फोन, के मतलब केरल, तो के से केरल, और आपका इसी के साथ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। केरल में ही के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री विल कंटिन्यू टू होस्ट फॉर्मूला वन अंटिल 2032? कौन सा देश 2032 तक फॉर्मूला वन की मेजबानी करना जारी रखेगा? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी हंगरी एंड डी यूनाइटेड किंगडम। तो 2032 तक फॉर्मूला वन की मेजबानी कौन जारी रखेगा? ऑप्शन सी हंगरी। हंगरी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन क्लब क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द गोटिया कप इन स्वीडन इन जुलाई 2023? जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोटिया कप जीतकर इतिहास रचा? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु एफसी, बी मोहन बागान, सी पूर्वी बंगाल एंड डी मिनर्वा अकेडमी। तो जुलाई 2023 में किस भारतीय क्लब ने स्वीडन में गोटिया कप जीता था? वो जीता था मिनर्वा अकेडमी ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विन टैम्परे ओपन 2023? निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने टैम्परे ओपन 2023 जीता था? आपके ऑप्शन है डैलिबोर स्विरसिना, बी सुमित नांगल, सी कैस्पर रूड एंड डी एंड्री रूबलेव। तो आपका जो बिल्कुल ठीक आंसर है वो है सुमित नांगल, ऑप्शन बी। सुमित नांगल ने ही 2023 का टाम्परे ओपन जीता था। कौन सा ओपन? टाम्परे ओपन। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।